अस्सलाम वालेकुम एसएल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका उर्दू का 9th लेक्चर है। आप अपनी उर्दू की रीडिंग बुक निकालें और उसका फर्स्ट पेज ओपन करें। जी बच्चों, आपने ये इसका फर्स्ट पेज ओपन कर लिया, वेरी गुड। अब हम डेली की तरह इसकी दोहराई करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये रीडिंग आ जाए। आप मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो। ये क्या है? अलिफ से अनार, वेरी गुड। फिर से पढ़े, अलिफ से अनार। ये क्या है? अलिमादा से आम, अलिमादा से आम। ये क्या है? बे से बिल्ली, बे से बिल्ली, वेरी गुड जूनियर्स। ये क्या है? पे से पत्ता, पे से पत्ता। ये क्या है? ते से तितली, ते से तितली। टे से टमाटर, ये क्या है? टे से टमाटर, वेरी गुड जूनियर्स। आपको तो रीडिंग आती है इतनी अच्छी तरीके से। अच्छा जी, अब ये बताएं, ये क्या है? से समर, से समर। और ये हमने कल रीड किया था, ये क्या है? शाबाश जूनियर्स, बताएं मुझे। जी, ये है जीम, जीम से जुराब, जीम से जुराब। अच्छा, और आज हम ये नया हर्फ रीड करेंगे, ये है चे। चे के अंदर तीन नुक्ते, ये देखिए, एक दो तीन, इसके अंदर तीन नुक्ते ना, तो हम बोलेंगे चे के अंदर तीन नुक्ते। और ये क्या है? ये तो आपको नजर आती है दिन में उड़ती छोटी सी क्यूट सी, ये है चिड़िया। क्या है ये? चिड़िया। तो हम रीड करेंगे चे से चिड़िया, चे से चिड़िया। फिर से पढ़े बच्चों मेरे साथ, चे से चिड़िया। फिर पढ़े, चे से चिड़िया, चे से चिड़िया। समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब आपने अलिफ से लेकर चे तक अच्छी तरह से रीडिंग मम्मा के पास बैठ के करनी है ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये रीडिंग आ जाए। और मदर्स, आप बच्चे से जरूर बीच बीच में से इन लफ्ज लफ्ज पूछा करें, डिफरेंट जो है, आगे पीछे से, आगे पीछे करके, ताकि बच्चों को साथ साथ लफ्जों की पहचान भी होती रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।